दोस्तों, आज मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम की विधि बताने जा रहा हूँ। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम से क्या लाभ है, भ्रामरी प्राणायाम वैसे तो सबको करना चाहिए पर किनको जरूरत है, किनको करना चाहिए। तो दोस्तों, जिनको हेडेक रहती है, माइग्रेन रहती है, जिनको चक्कर आता है, सर में भारीपन रहता है, जिनकी स्मरण शक्ति कम है या कमजोर है, जो स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, जिनको अनिद्रा की बीमारी है, जिनको नींद अच्छे से नहीं आती है, जिनको किस तरह का टेंशन रहता है, जिनको किसी तरह का सर में उलझन होता है, वो लोग इस भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे। इस भ्रामरी प्राणायाम को करने से आपको निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जिनको ज़्यादा समस्या है, परेशानी है, वो अपने चिकित्सक से सलाह मशवरा और उपचार के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये इमरजेंसी के समय में काम त्वरित नहीं करेगा, क्योंकि ये लंबे समय करने के बाद धीरे धीरे परमानेंट रूप में आपको ये उपचार कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप दिन में 5 बार एक एक मिनट से शुरू करके, एक एक मिनट से बढ़ा करके 5 मिनट तक ले जाएं। जैसे पहले दिन आप 1 मिनट करें, 5 बार दिन में 1-1 मिनट करें, उसके बाद इसको बढ़ाते 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 कई दिनों के बाद आप 5 मिनट तक ले जाएं। और ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे विधिवत सही रूप से, सही तरीके से, उतना ही आपको फायदा करेगा। और इतना फायदा करेगा जैसे आपको लगेगा कि बिल्कुल आपका रिवर्स हो गया वो बीमारी, मतलब आपको वो बीमारी कभी था ही नहीं, कभी हेडेक था ही नहीं, कभी चक्कर नहीं आता था, कभी बीमारी पर नहीं रहता था, अच्छी निद्रा होगी, अच्छा कुछ महसूस करेंगे, पॉजिटिव माइंड रहेंगे और बहुत ही आपको बिल्कुल सहज और खुश महसूस होगा, अंदर से फीलिंग अच्छी आएगी, सुनवा दिल रहेगा, दिमाग रहेगा। तो दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि सुबह उठ करके नित्य क्रिया करना है। नित्य क्रिया करने के बाद जब आपका पेट खाली हो जाए, आप खालीपन पेट में हल्का महसूस करें, पेट में भारीपन ना हो, उस समय सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, कभी भी दिन में 5 बार, जैसे लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, उस तरह से आप दिन में इसको 5 बार एक एक मिनट से लेकर के 5-5 मिनट तक बढ़ाते हुए ले जाना है। और आपको ये भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो उस भ्रामरी प्राणायाम में होता क्या है कि आप भौरों की तरह गुंजन करते हैं, भौरों की तरह गुंजन करते हैं, तो जब गुंजन करते हैं तो आपके अंदर से वो साउंड के रूप में वाइब्रेशन निकलती है, गुंजन निकलती है, कंपन होती है, जो आपके अंदर सर तक जाती है। सर में जो नर नाड़ियाँ कमजोर हो गई हैं, किसी तरह से उनमें त्रुटि हो गई है, जो इस तरह से परेशानी हो गई है, उनको हील करने का, उनको दुरुस्त करने का, उनको सही करने का ये वाइब्रेशन के द्वारा, गुंजन के द्वारा उसको सही किया जाता है। दोस्तों, ये भ्रामरी प्राणायाम है, ये उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनकी यात्रा ट्रेवल वाली ड्यूटी है। जैसे रेलवे के लोग हैं, जो लोको पायलट हैं, जो गार्ड्स हैं, या फिर जो चेकिंग टिकट चेकिंग स्टाफ हैं, या फिर
यात्री भी जो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के बाद जो उनके हरासमेंट थकावट होती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी भी यात्रा ही कर रहे हैं और एक दो दिन के बाद वो चीज़ें जाती है ना, वो साउंड, वो चीज़ें लगता है जैसे ट्रेन में ही वो बैठे हैं, उतरने के एक दिन बाद तक ऐसा महसूस होता है। तो वो लोग या फिर जो नाइट ड्यूटी करते हैं, या फिर जो ट्रेन में लंबी लंबी ड्यूटी करते हैं, यात्रा करते हैं, जो एसी स्टाफ होते हैं, एसी मैकेनिक होते हैं, एसी ऑपरेटर होते हैं, वो लोग या जो भी कॉल सेंटर में ड्यूटी करते हैं, जिनकी नाइट गार्ड हैं, इन लोगों को ये मुनाबली प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक इस तरह की ड्यूटी करने से आपके दिमाग पे, शरीर पे, स्वास्थ्य पे, सेहत पे निगेटिव प्रभाव पड़ता है, और इसको करने से आपको उस होने वाले हानि में थोड़ा बैकअप मिलेगा, मतलब कुछ हद तक, मतलब आपको ज़्यादा फायदा महसूस होगा, फायदा होगा, स्वास्थ्य और आपकी दिमाग जो है वो सही रहेगी। दोस्तों ये प्राणायाम उन लोगों को भी करना चाहिए जो एरोप्लेन में जॉब करते हैं, जैसे एयर होस्टेस हैं और जो भी पायलट हैं और भी अदर स्टाफ हैं, या फिर जो यात्री हैं जो यात्रा करते हैं, या फिर जो ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पर बहुत नाइट ड्यूटी होती है, हैवी साउंड आती है, साथ में जिन लोगों के सर सिर से हेड से जुड़ी हुई समस्या है, उनको ये भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम कब कैसे करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम आपको जब भी करना चाहिए, आपको पेट खाली होना चाहिए और पेट हल्का मुलूस होना चाहिए, हल्दी पल्दी मार करके आप मेरुदंड सीधा करके बैठ जाए, मेरुदंड को बिल्कुल मतलब ज़्यादा सीना भी निकाल देना है, मेरुदंड पीछे कर टेढ़ा हो जाए, या बिल्कुल ऐसे भी नहीं बैठना है या कहते झुक जाए, बिल्कुल सिंपल आप हल्दी पल्दी मार करके ऐसे पद्मासन में या सुखासन में आपको इस तरह आराम से बैठ जाना है और मेरुदंड सीधा होना चाहिए, और आपको पेट नाक के द्वारा इनहेल करके ब्रीथिंग करके आपको पेट में, मुंह बंद होगा, पेट में सांस को भरना है, पेट में सांस को सीने से होते हैं, पेट में सांस को भरना है, पेट में पूरा सेट, पेट में सांस भरने के बाद सीने से होते हैं, जब आपको गले तक लगे कि आपको अंदर हवा भर गया है, आपने सांस को भर लिया है गले तक, तो फिर आपको सांस को रोकना है, उसको बाहर निकलने नहीं देना है, और फिर आपको ये देखिए 5 उंगलियों का इसमें काम है, 5 उंगली को करना क्या है, इस उंगली को यहाँ पे रख लेना है, दबाना नहीं है, सिंपली रख लेना है, इस उंगली को यहाँ पे दोनों आंखों के कोने में सिंपली रख लेना है, दबाना नहीं है, उसके बाद इस उंगली को सिंपली आपको नाक के बाहर रख लेना है, ना तो नाक पूरा बंद होगा ना तो पूरा खुला होगा, थोड़ा सा नाक में जो हम सांस लेते हैं उस सांस को अवरोध करेगा ये उंगली, सिंपली इस पर ऐसे रख लेना है, उसके बाद इस उंगली को आपके मुंह के यहाँ रखना है, अंदर से दांत मुंह बंद रहेंगे और ये सिंपली यहाँ पर ऐसे रख के उंगली लगाना है, उसके बाद ये जो अंगूठा है इससे आपको कान को बंद कर लेना है, कान को इतना भी ज़्यादा नहीं प्रेस कर देना है, बिल्कुल से तकलीफ को परेशानी हो ना, वो बिल्कुल खुला रखना है कि बिल्कुल साउंड जाए, साउंड कान हमारे जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ये अवरोध करेगा, जिससे आपके अंदर से जो हम प्राणी प्राणायाम करेंगे, भौरिक गुंजन करेंगे, वो आपको बाहर ना निकल जाए, आपके अंदर स्तर में गुंजन करें, जब अंदर स्तर में गुंजन करेंगे, वाइब्रेशन करेगा, तब आपके नर नाड़ियाँ जो कमजोर हैं, जो जिन त्रुटि हो गया है, जो परेशानी हो गया है, जो आपको सर दर्द दे रहा है, वो हील होगा, वो आपको दुरुस्त होगा, वो सही होगा और आपका ठीक होगा, पर ये प्राणायाम आपको
3 महीने तक करना पड़ेगा, दिन में 5 बार एक एक मिनट से शुरू कर करके 5-5 मिनट तक या जितना आप बढ़ा सकें। कंटिन्यू नियमित रूप से अगर आप इसको 3 महीने तक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको एक डेमो के रूप में करके दिखाता हूँ और आप उसको देखें, सीखें और इसी तरह से धीरे धीरे नियमित रूप से आप उसको। दोस्तों, ग्रामीण प्राणायाम करने की विधि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अधिपति मार करके बेलगंड को सीधा करके आपको बैठना है आराम की स्थिति में। नाक के द्वारा पेट में सांस लेना है, ये धीरे धीरे लेना है और सांस को भ्रामी प्राणायाम जब करेंगे उस समय भ्रामी प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे सांस को जो अंदर लिया हुआ सांस है उसको मैं धीरे धीरे बाहर करके छोड़ेंगे। देखो देखिए दोस्त, मैं अब सांस को अंदर ले रहा हूँ, देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से ये करने से भवन की तरह गुंजन निकलती है, साउंड निकलता है। यही साउंड जो है, ये वाइब्रेशन जो है, यही कंपन जो है, गुंजन आपके कान को बंद करने से, हल्का नाक को बंद करने से ये बाहर न निकल करके आपके सिर में चढ़ता है। सर में जब चढ़ता है तो ये आपके जो भी नाड़ी है उसको ये दुरुस्त करता है, सही करता है और फिर आपको आराम महसूस होता है, इससे आपको निद्रा भी अच्छी आएगी। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं डेमो करता हूँ, फिर से कल बताता हूँ, आप लोग देखिए सीखिए और इसी तरह से करने का प्रयास करेंगे। और नहीं अगर आपको आता है तो बार बार इस वीडियो को प्ले करेंगे, देखेंगे, या फिर हमसे भी बेहतर जो इसको बताने वाले लोग हैं जैसे बाबा रामदेव हैं या कोई भी योगाचार्य हैं उनको भी आप फॉलो करके उनको भी देख सकते हैं, वहाँ से भी सीख सकते हैं। वैसे तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ दोस्त कि आपको समझ में आ जाए और आप इससे लाभ प्राप्त करें, इसको अच्छे से सीख सकें। सहज भाषा में, साधारण भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सांस को अंदर लेंगे, उसके बाद आप अपने उंगलियों की पोजीशन को रखेंगे, हल्का सा कान को बंद करेंगे, हल्का सा नाक को बंद करेंगे, हल्का सा मुंह पर रखेंगे, मुंह बंद रहेगा, हाँ इस उंगली पे यहाँ रखेंगे, यहाँ पे यहाँ आँख बंद रहेंगे और आप अंदर में फील करना, महसूस करना, ध्यान लगाना है कि जो गुंजन हो रहा है वो मेरे सर पे चल रहा है और सर में हमारे गुंजन हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। और ऐसा होता है धीरे धीरे, आप एक बार नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे जब आप करेंगे तो धीरे धीरे ये आपको इम्प्रूवमेंट होगी और लगेगा कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ बता रहा हूँ वैसा आपको फील होगा, महसूस होगा। एक ही बार में नहीं होगा, लगातार कुछ बार करेंगे तब होगा। ठीक है, तो फिर से मैं कल दिखाता हूँ। देखा दोस्त मैं क्या कर रहा था, जब मैं गुंजन स्टार्ट किया तो गुंजन सर तक अगर नहीं चढ़ रहा है तो सर तक चढ़ाने के लिए आपको अपने जो उंगली की स्थिति है, जो आप नाक को बंद कर रहे हैं, कान को बंद कर रहे हैं, इसको आपको ट्यूनिंग करना है, ट्यूनिंग करना है। और ट्यूनिंग करने का मतलब आगे पीछे हटा करके थोड़ा ज्यादा बंद करके, थोड़ा डाप और ज्यादा खोल करके, इस तरह देखना है कि किस तरह से उंगली की स्थिति को, पोजीशन को रखना है ताकि हमारा गुंजन सही तरह से हो और गुंजन ऊपर सर तक चढ़े। फिर से दोस्तों देखिएगा, जब मैं करता हूँ तो सही ट्यूनिंग करने के लिए मैं इसको कई बार ऐसे 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 हिलाता हूँ, मतलब सेटिंग करता हूँ, है ना, या कान को इसको भी अंदर बाहर ऐसे करता हूँ, आगे पीछे करता हूँ ताकि ये सही ट्यूनिंग हो और सर तक ये गुंजन चढ़े।
जब सर तक पूरा दुनिया चढ़ेगा और उसी सर पे स्थित जगह को आपको गुंजन को ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे तभी वहां चढ़ेगा और तभी वहां फील होगा, महसूस होगा, आपको लगेगा हाँ गुंजन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं करता हूं, देखिए हाँ दोस्त, आप देख रहे हैं इसी क्रम में मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल से नाक और कान के छिद्र को बिल्कुल बंद मत करिएगा, नहीं तो हवा अगर निकलेगा नहीं तो फिर वो आप दम लगाएंगे गुंजन करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, आपके नाक से खून भी जा सकता है और आपको सांस लेने के बाद जब भौंरे पर गुंजन करना है तो धीरे 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 जितना धीरे धीरे हो सके उतना धीरे धीरे गुंजन करके आपको छोड़ना है और उस उसी गुंजन को आप बढ़ाने घटाने के लिए ट्यूनिंग करने के लिए कभी तेज भी गुंजन कर सकते हैं कभी धीरे भी कर सकते हैं। जिस स्थिति से आपको ज्यादा फायदा हो, जिस स्थिति से ज्यादा गुंजन आपको सर तक पहुंचे और आपको अच्छा महसूस हो, उस स्थिति को आपको सहज स्थिति आरामदायक स्थिति को आपको कायम रखना है और करते रहना है। देखिए दोस्त फिर से एक बार करके आपको बताता हूँ, देखा दोस्त जब मैं गुंजन कर रहा हूं तो आप जब दांत को हल्का सा ही सटा करके आपस में रखेंगे तो वहां भी कंपन महसूस होगा और उसका कंपन के आवाज उसका साउंड और जो हम गुंजन कर रहे हैं भौंरे की तरह ये आपके सर पे चढ़ेगा और तब आपको ये लाभ प्राप्त होगा। फिर से देखिए दोस्त, पूरा सांस यहां तक भरना है गर्दन तक, पेट से होते हुए पेट में सांस भरना है, सीने में नहीं, सीने पेट पर सांस भरेंगे तो पेट पे चक्कर लग जाता है, पेट में सांस भरेंगे तो पेट बाहर आएगा। ठीक है, देख रहे हो दोस्त जब आप अपने नाक और कान को सही से मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं लेकिन सही से बंद करेंगे और उसके बाद जब गुंजन करेंगे, जब बिल्कुल मतलब कि आराम से वो हवा बाहर नहीं निकल पाएगी, साउंड बाहर नहीं निकल पाएगा, तभी वो गुंजन जो आपके अंदर हो रहा है वो धीरे धीरे ऊपर सर में चढ़ेगा और तभी फायदा करेगा। फिर से एक बार देखिए, ठीक है दोस्त, मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ मेरे प्रयास करने के कारण आप लोग कुछ समझ गए होंगे, कुछ सीख रहे होंगे, कुछ आपको लाभ प्राप्त होगा और ये मेरे वीडियो बनाने से थोड़ा भी अगर आपको लाभ प्राप्त होता है तो मैं बहुत अपने आप को धन्यवाद समझूंगा। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू।